एट द एंड ऑफ द डे मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेयर केयर. 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट और आज हम इस वीडियो में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कैसे दिख रहे हैं मेरे बाल और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने PRP सेशंस हुए. और दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिनसे आपकी बहुत मदद होगी. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक. और तीसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरा करंट डेली रूटीन कैसा है. क्या मैं कोई टैबलेट्स कंज्यूम कर रहा हूँ जैसे फिनिस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल, ट्राया, अवीमी, इनके कुछ टैबलेट्स या ऑयल यूज कर रहा हूँ ये हम डिस्कस करेंगे. हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में. हेयर लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू वेज जिससे मैं अपने बाल बचा सकूं एंड आई कीप ऑन शेयरिंग इट विद यू गाइस ताकि इससे आपकी मदद भी हो जाए. इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो दोस्तों रिजल्ट के लिए ना मैं आपको धूप में दिखाऊंगा, यहाँ पर दोनों दिखाऊंगा, आगे के बाल और पीछे के बाल भी. तो सबसे पहले हम खिड़की खोलते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये है मेरे आगे के बाल. तो साइड के बहुत अच्छे हैं जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है लेकिन आगे ना अब वो ग्रो हो रहे हैं. ट्रांसप्लांट किए हुए तो पहले शेडिंग होता है एंड देन उसके बाद वो ग्रो होंगे. ये आप देख सकते हो आगे का एरिया अच्छे से दिख रहा है. आपके क्या फीडबैक्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और मैं आपको अभी पीछे के बाल दिखाऊंगा. क्या आपको दिख रहे हैं बाल? ये रहे पीछे के बाल. तो इसी तरह आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू माई रिजल्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट ताकि आपको पता लग जाए कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं. तो इसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो सिंस मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ और वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो मैंने ये सोचा कि वाइल आई एम डूइंग माई कार्डियो लेट मी शूट दिस वीडियो. लेट मी नो योर फीडबैक्स कि ये काइंड ऑफ सेटअप कैसे लग रहा है आपको. आर यू एबल टू कनेक्ट विद मी कि आपको ऐसे नॉर्मल यू नो बैठ के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं. Do let me know your feedback. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो आई वुड रेकमेंड यू नो यू कीप मूविंग अराउंड फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस. अगर आप काम करते हो यू डू नो दैट आपको टाइम नहीं मिलता है फिटनेस के लिए देन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैंने एक घर पे ट्रेडमिल लाया हुआ है छोटा सा है जो आपके यू नो बेड या सोफा के अंदर जा सकता है. एंड उसी तरह आई एम डूइंग माई वर्क ऑल्सो एंड ऑल्सो डूइंग माई कार्डियो एट द सेम टाइम. अभी हम PRP की बात करते हैं. अब तक मैंने 2 PRP सेशंस करवाए हैं. उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा कि PRP क्या होता है. बेसिकली इस प्रोसेस में वो आपका खून लेते हैं लाइक फ्रॉम योर हैंड एंड देन दे पुट इट इन सेंट्रीफ्यूज. और वो सेंट्रीफ्यूज में जब वो स्पिन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा. ये प्लाज्मा में बहुत न्यूट्रिशन होता है विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेयर फॉलिकल्स. उस प्लाज्मा को वो लोग हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं. इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो हमारे पहले वाले वीडियो में आए थे. सबसे पहला क्वेश्चन शिवांश ने पूछा है, ब्रो डू यू टेक फिनिस्ट्राइड एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांसप्लांट वाज इट. फिनिस्ट्राइड करेंटली मैं ले नहीं रहा हूँ और ना ही मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था टू टेक फिनिस्ट्राइड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट तो हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरीके के होते हैं. सबसे पहला FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और दूसरा होता है FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन. मेरा FUE था. तो FUE में क्या होता है, आपके जब वो स्कैल्प पर आपको एनेस्थीसिया देते हैं दे इंडिविजुअली प्लक योर हेयर फॉलिकल्स, एक एक करके रैंडमली उसे निकालते हैं. तो ये FUE प्रोसीजर होता है. और FUT में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रिप मेथड जहां पर एनेस्थीसिया देने के बाद आपके स्कैल्प से एक स्ट्रिप निकाला जाता है एंड देन फ्रॉम दैट स्ट्रिप दे रिमूव द हेयर फॉलिकल. तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो पूछा है निशांत कुमार ने एंड वो कहते हैं आर यू यूजिंग मिनोक्सिडिल एंड फिनिस्ट्राइड. तो जैसे मैंने पहले बताया था फिनिस्ट्राइड में यूज नहीं कर रहा हूं ना ही मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर्स ने रेकमेंड नहीं किया था. लेकिन मैं अवीमी का हेयर टोन PV1 और केश पलाव हेयर ऑयल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है एंड देन व्हेन आई गो फॉर मीटिंग्स वो इतना अच्छा नहीं दिखता, प्रेजेंटेबल नहीं दिखता. इसलिए आई यूज द ऑयल विच इज फाइन. मिनोक्सिडिल में कैसे होता है, मिनोक्सिडिल में अल्कोहल होता है टू बेसिकली इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन ऑन योर स्कैल्प. इसलिए कहते हैं ना जब आप मिनोक्सिडिल स्टॉप करते हो यूज करना आपका हेयर लॉस रिवर्स हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग मिनोक्सिडिल बट आई एम यूजिंग हेयर टोन PV1 एंड केश पलाव हेयर ऑयल. तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सभी के दिमाग में होगा एंड आई थिंक आई बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल क्योंकि मैं ये प्रोसेस के थ्रू जा चुका हूँ. और दिस क्वेश्चन इज बाय कल्याण चेत्री. वो कह रहे हैं सर मेरा टेम्पल पूरा बाल्ड है, बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर है, वो ग्रो हो सकते हैं प्लीज रिप्लाई. अगर आप मेरा केस देखोगे मैंने पहले वाले वीडियोज में आपको दिखाया था मेरा टेम्पल एरिया और क्राउन एरिया, यहाँ पर मैंने सब कुछ ट्राई किया था, PRP, बीटरूट कैरेट आमला जूस, डाइट, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है. लेकिन अगर आपके वहां पर से हेयर फॉलिकल्स कंप्लीटली जा चुके हैं, डर्मा रोलर भी यूज किया था मैंने, मिनोक्सिडिल भी यूज किया था, आपको पता
हो, अगर आप पुराने व्यूअर है यू वुड नो दैट यू नो जो मैंने वीडियोस बनाए आई हैव बीन शेयरिंग दीस थिंग्स विद यू गाइस, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स कंप्लीटली जा चुके हैं वहां से तो ये सब चीजें कोई चीज आपकी मदद नहीं करने वाली है। इन दैट केस ओनली योर हेयर ट्रांसप्लांट विल हेल्प यू, सो दैट्स व्हाई आई डिड गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं, इन दैट केस डीआरपी, डर्मा रोलर, मिनोक्सिडिल, दीस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपके बालों को ना वहां पर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, बट व्हेन यू कीप डूइंग दीस थिंग्स आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल जाएगा एंड दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भाई सायराज वो कहते हैं डोंट यू थिंक 8000 ग्राफ्स आर अ लॉट, मेरे मन में भी कुछ यही सवाल था, ये लोग 8000 ग्राफ्स क्यों कह रहे हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा था ऑन व्हिच क्लिनिक शुड आई गो फॉर, तो बाकी सब लोग मुझे 4000 ग्राफ्स बता रहे थे एंड देन दीस गाइस टोल्ड मी 8000 ग्राफ्स। तो उन्होंने ये बताया, इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ओवर द पीरियड ऑफ 2 टू 3 इयर्स आपके जो करंट बाल है दे आर गोइंग टू फॉल एंड द रीजन व्हाई वी आर गोइंग विद 8000 ग्राफ्स अ डेंस लुक इज बिकॉज सो दैट वी कैन कवर ऑफ फॉर दोस हेयर फॉलिकल्स दैट आर गोइंग टू फॉल ऑफ, ताकि आपके स्कैल्प में ज्यादा गैप्स ना दिखे। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, और ये डिफर होगा पर्सन टू पर्सन। अगर आपके स्कैल्प में बाल अच्छे हैं, करंट बाल, तो देन यू माइट नॉट नीड 8000 ग्राफ्स, शायद से आपको 6000 5000 ग्राफ्स लग जाए एंड दिस डिफर पर्सन टू पर्सन। अभी मेरे केस में यहां पर बाल जा चुके थे, यहां पर कम बाल थे, इवन यहां पर भी बहुत कम बाल थे, और यहां पर इतने डेंस नहीं थे बाल, थिन थे। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे टोल्ड लेट्स गो फॉर 8000 ग्राफ्स सो दैट वी कवर फॉर द हेयर फॉलिकल्स दैट आर गोइंग टू फॉल ऑफ इन द फ्यूचर। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है, हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, इज इट सेफ टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। अब तक तो मुझे कोई साइड इफेक्ट्स हुए नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट से। हाँ, स्कैल्प थोड़ा थोड़ा कभी दुखता है, बट नाउ इवन दैट हैज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अगर आपको एनेस्थीसिया, इतने इंजेक्शन प्रोसीजर किया जाएगा आपके स्कैल्प पर, जो एक सेंसिटिव एरिया है, पेन होता है, लाइक उस वक्त भी जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई इसने जो ट्रांसप्लांट करवा लिया है बाल, मैं बताऊँ इतना दर्द होता है ना, आप सह नहीं पाओगे वो। लाइक आपके स्कैल्प में 20-25-30 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं एंड देन दे विल रिमूव योर हेयर फॉलिकल्स एंड देन दे विल ट्रांसप्लांट ऑन योर टेम्पल एंड योर क्राउन। सो जब वो उस दिन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, इतना दर्द होता है ना, जब वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट्स कम होने लग जाते हैं, पेन तो बहुत होता है। सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी, बट साइड इफेक्ट्स अभी तक तो मुझे कुछ हुए नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहते हैं, इफ वी डू दिस प्रोसीजर विच इज हेयर ट्रांसप्लांट, आर देयर एनी चांसेस ऑफ लूजिंग हेयर अगेन इन द लॉन्ग टाइम और नॉट। टू आंसर दिस क्वेश्चन, एज पर माई एक्सपीरियंस, हेयर लॉस ना एक जर्नी होता है। जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर हेयर व्हेन यू हैड इट, मैंने मेरे बालों का केयर नहीं लिया, मैंने क्रिएटिन लिया था, यू नो आई वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ माई हेयर, ओवर द लॉन्ग रन 4 से 10 साल तक दैट ड्यूरेशन के अंदर हेयर लॉस होने लग गया एंड देन कम्प्लीटली वहाँ से बाल चले गए आफ्टर डूइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट। इफ आई डू नॉट टेक केयर ऑफ माई हेयर स्टिल, अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है ट्रांसप्लांट कर दिए मेरे बाल अब बहुत अच्छे हो जाएंगे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आगे 10 साल में वही चीज होने वाली है जो अभी हुई थी। इट इज जस्ट लाइक योर बॉडी गाइस, अगर आप आपके बॉडी का केयर लोगे देन यू विल बी फिट। तो उसी तरह यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स। आपके बॉडी में डीएचसी तो जनरेट होते रहेगा। मैंने इंस्टाग्राम पर किसी का तो रील देखा था, उसका नाम कुछ हेयर फॉलिकल डूड है, उसने उसके वीडियो में बताया था आफ्टर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को लगता है कि अब उनके बाल नहीं जड़ेंगे, बट डीएचसी तो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होती रहती है। यू नीड टू कीप गिविंग न्यूट्रिशन टू योर हेयर फॉलिकल्स, उसी तरह यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स। इसलिए मैं ट्राया का डीएचटी ब्लॉकर भी यूज कर रहा हूँ, अविमी हेटोन PV1, केशपुलाव हेयर ऑयल, बीटरूट कैरेट आमला जूस, इन चीजों को यूज कर रहा हूँ मैं। डर्मा रोलर करेंटली यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दैट माइट डैमेज दी हेयर फॉलिकल्स, ना ही मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज कर रहा हूँ। टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड रेकमेंड यू स्टिल कीप टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ यू डूइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट डूइंग एन हेयर ट्रांसप्लांट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू वुड लव टू लिसन टू दिस। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस टाइम ऑन हेयर, आई वुड प्रिफर टू बिकम लाइक ड्वेन जॉनसन, माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट, डेविड गॉगिंस, कान्ये वेस्ट, टूपैक एक्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग माई मनी इन टू दिस, वी कुड लिटरली बिल्ड अ श्रेडेड बॉडी, मेक अ लॉट ऑफ मनी। एट द एंड ऑफ द डे मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेयर केयर, अ गुड स्टेटमेंट एज पर हिम, बट यू नो इट कीप्स डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप यही चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोलो कि भाई तू हेयर ट्रांसप्लांट में क्यों इतने पैसे डाल रहा है, आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी में खुद का हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है, वो एक सेलिब्रिटी है, ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, उसका बॉडी, ही हैज अ श्रेडेड बॉडी, ऐसे नहीं कि उसके पास श्रेडेड बॉडी नहीं है, ही स्टिल डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट्स। इवन एक्टर्स लाइक रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सलमान खान, ये लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते रहते हैं
क्योंकि दे नीड टू लुक गुड, दे नीड टू लुक प्रेजेंटेबल. और किसको अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेबल दिखना? नो डाउट इट इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस. अगर वो बाल्ड होना चाहते हैं लाइक ड्वेन जॉनसन, इट इज़ कम्प्लीटली देयर ओन कॉल. लेकिन अगर आप एज अ पर्सन आपको लगता है कि नहीं मुझे बाल चाहिए, आई शुड गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, गो एंड ट्राई इट आउट. आफ्टर ऑल इट इज़ योर लाइफ एंड योर मनी. आप किसी और के पैसे लेके हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे हो. सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस क्वेश्चन. इट कीप्स डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज़ योर पर्सनल कॉल. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कितना टाइम लगता है टू रिकवर फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट? 2 हफ्ते लगते हैं टू रिकवर, क्योंकि आपके स्कैल्प पे पीछे जो स्कार्स होते हैं वो रहते हैं, यू नो वो घाव नया ही होता है. सो इट टेक्स एटलीस्ट 2 वीक्स टू रिकवर फ्रॉम दैट. एंड एडिंग टू दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था, विल देयर बी एनी स्कार्स ऑन योर स्कैल्प? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मेरा. यहाँ पर पीछे के बाल मेरे कवर हो चुके हैं जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था. इवन जब भी मैंने मेरे भाई के बाल देखे उसका पीछे का एरिया कवर हो चुका है. सो देयर आर नो स्कार्स एज ऑफ नाउ. अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. करेंटली माई डेली रूटीन फॉर हेयर, मिनोक्सिडिल यूज नहीं कर रहा मैं, ना फिनिशाइड यूज कर रहा हूँ, ना ही डर्मा रोलर यूज कर रहा हूँ. और जैसे मैंने वीडियो में बताया था, हेटोन PV1 और अवीमी यूज कर रहा हूँ टू कीप माय स्कैल्प मतलब ड्राई होने से बचाने के लिए. एंड इन टर्म्स ऑफ माय डाइट आई एम इंक्लूडिंग बीटरूट कैरेट आमला जूस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बालों के लिए बहुत अच्छा, इनफैक्ट आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. एंड देन प्रोटीन में आई एम एडिंग चिकन, वेजिटेबल्स एड कर रहा हूँ, ओट्स खा रहा हूँ, वे प्रोटीन अलॉन्ग विद नट्स. तो यही मेरा डाइट है, सिंपल डाइट, ईजी डाइट. आप भी यही फॉलो कर सकते हो. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस, फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. शेयर करना है इस वीडियो को आपके एक दोस्त के साथ जिसके बाल झड़ रहे हैं एंड ही इज कन्फ्यूज, शुड आई गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, शुड आई नॉट गो? आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो. दिस विल रियली हेल्प हिम अ लॉट. यू नो आफ्टर ऑल दिस इज हिज ओन चॉइस, और आपका बाल है, आपके पैसे, यू हैव टू टेक अ कॉल. एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव एंड कीप बिलीविंग.